असलम फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब हूँ और आप देख रहे हैं आल्टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स कैसे होंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने एक टाइगर वाली वीडियो देखी होगी जिसमें एक टाइगर को मैं बुलाता हूँ और उसको पास आके बैठने को कहता हूँ। तो इस तरह की वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे बनती है, इस वीडियो को आप देखिएगा एंड तक। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टाइगर वाली वीडियो बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मरतबा आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाजमी लाइक, अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर डेली न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो कि कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर और ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड वीडियो होती हैं, जिनसे आपको इसमें बहुत सारा फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि हम कैसे अपने टाइगर वाली वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करके जो आपका जो साइज़ है, जिस साइज़ में आपने वीडियो बनानी है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 16:9 जो एस्पेक्ट रेट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना मीडिया में से जो वीडियो हमने शूट की होगी उस वीडियो को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने गैलरी में से उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली वो मेरी वीडियो है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्ले करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब मैंने वीडियो बनाई होगी तो उस टाइम में कुछ इसमें वेस्टिंग पार्ट भी होगा, तो उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो ये शुरू वाला थोड़ा सा जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जहाँ पर मैं आके बैठा हूँ। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने कट वाला ऑप्शन शो होगा। तो ये ऊपर वाले कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नीचे ये ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, इसको पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको फिर प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जैसे हाथ का इशारा करता हूँ, हाथ के इशारा करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दोबारा फिर इशारा करता हूँ कि यहाँ पे बैठ जाओ। और उसके बाद मैं, मुझे ये वीडियो जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो वीडियो सही है, लेकिन चलो थोड़ा सा और आगे की तरफ इस वीडियो को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि कम अज़ कम 20 से 25 सेकेंड की वीडियो बन जाए। तो अभी यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके आगे वाले हिस्से को फिर जो सिलेक्ट करके तो कटर वाले कटर से इसको ट्रीट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मैं वॉल्यूम है उसको भी मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि पता है जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की होगी जिसमें कुछ आवाज़ वगैरह भी रिकॉर्ड हुई होगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको फिर से थोड़ा सा सिलेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को थोड़ा सा चेक कर लेंगे और उस पॉइंट पर ले आएंगे जहाँ पर हमने अपना हाथ ऊपर किया था। तो जहाँ पर हमने अपना हाथ ऊपर किया था वहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पुश करके उसके बाद यहाँ पर हम लेयर पर क्लिक करके अपना जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है उसको हम वहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो लेयर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, मीडिया पे आ जाए। मीडिया पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से आप अपनी वो ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो आपके पास पड़ी होगी उसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी फ्रेंड्स, हमारे सामने ये ग्रीन स्क्रीन जो है शो हो गई है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं शेयर की सीमत किस तरफ है। तो ये फ्रेंड्स, आप देखते हैं यहाँ पे शेयर उल्टी साइड से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसी स्क्रीन ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें ऑप्शन खुल जाएंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे रोटेट मेरिट पे क्लिक करके इसके सीमत को चेंज कर लीजिए। तो ऊपर वाले हिस्से पे आप क्लिक कीजिए तो इसकी सीमत जो चेंज हो जाएगी, शेयर जो है वो दूसरी साइड से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सीमत चेंज हो गई है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कि हमें ये शेयर कहाँ पर चाहिए और किस जगह पर चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि शेयर की जो साइज़ है वो कितना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाए और यहाँ पे हम इसकी जो ग्रीन स्क्रीन है उसको हम रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप क्रोमा की पे आ जाएं। यहाँ पे आपको ये क्रोमा की का ऑप्शन शो हो रहा है। उसके बाद आप ये ऊपर इसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़ी सी एडजस्टिंग कर लें कलर की, ताकि आपके जो जितनी ग्रीन स्क्रीन है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इशारा किया शेर के, वहाँ से इंटर हो गया और उसके बाद शेर को मैंने बोला है यहाँ पर बैठ जाओ, तो वो बैठ के, तो अभी आप देख सकते हैं शेर मेरे पास बैठा हुआ है। तो इस तरह वीडियो को आप जो है ना अपनी को एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पूरा प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लगी है, क्योंकि जो शेर है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है,
तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ साइज़ को बड़ा करने की। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जितना साइज़ या जितना आपको चाहिए उस हिसाब में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वैसे मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे किए। तो यहाँ पे मैं शेयर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सही है, शेयर का साइज़ भी सही है और थोड़ा सा करीब आके जो है वो बैठा है। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इसको फिर एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं कि भी जो मैंने इसका साइज़ बड़ा किया है तो कैसा लगे। अभी मैंने हाथ से इशारा किया और शेर मेरे पास बिल्कुल करीब में आके बैठ के, तो अभी आप देख सकते हैं शेर मेरे पास बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पूरी जो अपनी वीडियो है उसको चेक कर लेता हूँ और उसके बाद जो आगे वाला हिस्सा है जो ग्रीन स्क्रीन आपको नज़र आ रही है नीचे, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ऊपर आपको ये ट्रिम स्लिप प्रेस के बाद यहाँ पे जो आगे वाले हिस्सा है इसको मैं ट्रिम टू हेड जो क्लिक करके इसको ट्रीट कर देता हूँ और उसके बाद ये वीडियो हमारे पास बची है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपने जो वीडियो है वो बना सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज की वीडियो, में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, मेरे इस वीडियो को लाजमी लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।